पिछली वीडियो में हमने एक्वाकल्चर की टॉपिक को देख लिया है, वहाँ से हमने टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर भी देख लिया है। एक्वाकल्चर के बारे में अच्छे से जाना, परखा, समझ और जान बहुत ही अच्छे से जान लिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह गया हो तो आप पीछे की वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे कि किस तरीके की वाटर में, किस तरीके की वाटर की एनवायरनमेंट में एक्वा कल्चर की प्रोसेस की जाती है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। और इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो वो आपके सैलिनिटी के बेस पे, नमक की मात्रा के ऊपर कि पानी में किस तरीके की नमक की कंसंट्रेशन है उसके बेस पर इसे डिवाइड किया गया है। उसको जानने से पहले एक बार हम एक्वाकल्चर के डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। बोलने से पहले बस आप अपने आप से थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, आपको एक्वाकल्चर खुद याद हो जाएगा। तो ये पूछिए या ये अपने आप से कहिए, अपने आप को समझाइए कि एक्वाकल्चर के अंतर्गत हम उन फिशेस की, उन सबसे बढ़िया फिशेस का नाम लेने से बेटर है कि आप पूरे एनिमल के समूह की बात करें, तो एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट की फार्मिंग और हस्बेंड्री करते हैं। बस एक वर्ड जोड़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स की हस्बेंड्री या फार्मिंग या हस्बेंड्री और कल्चर करते हैं, यही आपकी प्रोसेस एक्वाकल्चर कहलाती है। सिंपल सी बात है। और ये जो हम हस्बेंड्री और फार्मिंग कर रहे हैं, ये हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, साथ ही साथ हमें इनसे भारी कमाई भी होती है, इकोनॉमिकली फॉर्म में भी ये हमें मजबूत करते हैं, यही बात है। और हम आज की वीडियो में एक्वाकल्चर के ऊपर बकवास करने नहीं बैठे हैं, आप वो वीडियो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया और किस तरीके की वाटर में ये एक्वाकल्चर की प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ चार तरीके की वाटर में एक्वाकल्चर की प्रोसेस करते हैं, वो आपके किस बेसिस पे बांटा गया है, तो आपको बता दिया गया है कि सैलिनिटी के बेस पर, सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बेस पर ये डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, दूसरा है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, तीसरा है मैराइन वाटर एक्वाकल्चर और सबसे लास्ट है मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर। तो अब बात करते हैं किस तरीके की वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है। तो जो आपकी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, इसके अंदर 5% तक आपका वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, इतनी तक ही होती है, तो हम उसे फ्रेश वाटर कहते हैं, शुद्ध पानी, प्योर पानी का नाम देते हैं। दूसरा आपका ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इसमें जो नमक की कंसंट्रेशन होती है वो 5% से लेके 30% तक के बीच में होती है। अगर ऐसा पानी होता है तो हम उसे ब्रैकिश वाटर यानी कि खारा पानी कहते हैं। तीसरा है आपका मैराइन वाटर, अब नाम से समझ में आ रहा है, मैराइन यानी कि समुद्री जल, तो इसमें जो नमक की मात्रा होती है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, वो 30 से 35% तक होती है। और जो सबसे लास्ट है मेटाहेलाइन, उसके अंतर्गत 36 से 40% तक नमक की कंसंट्रेशन होती है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की, एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इतने भी अनपढ़, जाहिल, गवार नहीं हैं कि हम इंग्लिश में आपको ना बता सकें, बस वही अपनी प्रतिभाओं का आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अगर पढ़ते वक्त जुबान इधर उधर फिसल जाए तो अपना छोटा टीचर समझ के माफ़ करिएगा, धन्यवाद। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इंक्लूड्स कल्चर ऑफ वेरियस इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल इम्पाउंडमेंट्स। इम्पाउंडमेंट्स मतलब होता है किसी बंद जगह पे, किसी घिरी हुई जगह पे, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि इस एक्वाकल्चर को फ्रेश वाटर में किया जाता है, इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के जो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो छोटी जगहों पर उनका कल्चर किया जाता है। अब छोटी जगहों पर घेर कर, बंदी बनाकर, उनको पकड़ कर, मार पीट कर, जो भी कहना है कह लीजिए, उस तरीके से उसका एक्वाकल्चर करते हैं, जैसे कि सच एज पॉन्ड, लेक या एनी आर्टिफिशियल टैंक, यानी किसी तालाब बनाकर, किसी टैंक में कर लीजिए, आर्टिफिशियल टैंक यानी इंसानों द्वारा बनाया गया कोई टैंक वैंक बना बना के, उस तरीके से अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इसी के अंतर्गत आते हैं।
फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को किसी भी छोटी सी जगहों में बंद कर कर घेर कर वहाँ पे आप एक्वाकल्चर करते हैं कल्चर करते हैं, वही आपका फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हो गया। इसके अंतर्गत किन किन तरीकों की स्पीसीज का या मछलियों का या जिन भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स का हम एक्वाकल्चर करते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है, उन्हीं को हम देख लेंगे। आप इन्हें ऐसे पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं और आप इन्हें बिना पॉइंट डाले ही मिक्स भी लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट डाल के बता रहा हूँ, आप चाहे तो बिना पॉइंट डाले मिक्स उसी में घुला मिला सब लिख सकते हैं। पहला है आपका पॉलीकल्चर और मिक्स्ड फिश फार्मिंग, यानी कि पॉलीकल्चर या मिक्स्ड फिश फार्मिंग। सिंपल सी बात है, बात समझ में भी आ गई होगी, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और समझ में भी आ जाएगी। फास्ट ग्रोइंग फेवरेबल स्पीसीज ऑफ फिशेज विथ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स आर कल्चर्ड टुगेदर। बात समझे, समझ में आ गई होगी। इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ने से ऐसे ही समझ में आती है, जैसे हमें आती है वैसे ही आपको भी समझ में आएगी। फास्ट ग्रोइंग फेवरेबल स्पीसीज ऑफ फिशेज विथ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स आर कल्चर्ड टुगेदर, यानी कि तेजी से ग्रो होने वाली स्पीसीज, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज की जो फिशेज हैं उनका और जो डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स में जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने वाली जो हैबिटाट में रहने वाली जो फिशेज हैं उनका एक साथ कल्चर इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, उसके अंतर्गत ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्स्ड वाला, इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा आपका है पॉइंट डाल के लिखिए ना डाल के लिखिए, आप उसी में एक ही में करके लिख दीजिए, सब एक बात है, आपके ऊपर है, आपको जो सिंपल लगे वो कर लीजिएगा। आप पॉइंट डाल के लिखना चाहते हो लिखिएगा, मोनोसेक्स कल्चर इसके अंतर इन दिस कल्चर सेपरेट सेक्सेस ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज आर कल्चर्ड बाय दिस मेथड द यील्ड कैन बी इनहेंस्ड, यानी कि इस कल्चर के द्वारा अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग सेक्सेस का कल्चर किया जाता है और ऐसे कल्चर करके इनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। तीसरा है आपका मोनो स्पीसीज कल्चर, नाम से ही पता चल रहा है स्पीसीज, यानी कि इस तरीके के कल्चर में अलग अलग फिशेज का फार्मिंग किया जाता है, कल्चर किया जाता है। चौथा है आपका जियोल फिश कल्चर, इस तरीके में क्या है कि जो कम ऑक्सीजन में रहने वाली, कम पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं उन तरीके की फिशेस का एक्वाकल्चर या कल्चर इनके अंतर्गत किया जाता है। और वो कुछ फिशेस के नाम हो गए जैसे चन्ना, क्लैरिस, ये सब वो फिशेस हैं जो कम पानी में और कम ऑक्सीजन को डायरेक्ट हवा से प्राप्त करके रह लेती हैं, ये कुछ वैसी स्पीसीज के नाम हैं। अगला है आपका ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, जो कि काफ़ी सिंपल है, जो एक्वेरियम की फिशेस नहीं होती हैं, जो सजावटी वाली फिशेस होती हैं उनका कल्चर इनके अंतर्गत किया जाता है। आपको पता ही है कौन कौन सी ऐसी फिशेस होती हैं, जैसे गप्पी हो गई, गौरामी हो गई, गोल्ड फिश हो गई, मौली, सियामसी फाइटर, शॉर्ट टेल, ये कुछ ऐसी फिशेज हैं जो हम सजावट में यूज करते हैं, जो हम अपने एक्वेरियम में रखते हैं। एक्वेरियम मतलब समझ रहे हैं ना, जो घर में फिश टैंक होती है वहाँ पर रखते हैं, तो ये सजावटी हैं और काफ़ी हाई डिमांड होती है इनकी इंटरनेशनल मार्केट में, बाहर की दुनिया में लोग खरीदते हैं, यहाँ पे भी खरीदते होंगे, बस यहाँ थोड़े कम खरीदारी होती है, बाहर की दुनिया में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो फिशेस होती हैं, जो सजावटी फिशेस होती हैं, उनका कल्चर भी इसी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब कुछ चंद सेकंड हमारे नाम कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कर लीजिएगा, ना लगे तो कुछ मत करिएगा। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है आपका वही लार्वी वोरस फिशेस, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लार्वी मतलब लार्वा, यानी कि लार्वा खाती होंगी तो बनाती होंगी, यानी कि यही इनका काम है, बस समझ गए ना। तो लार्वी वोरस फिशेस सच एज ओरिजियस मेलेक्स्टिग्मा, बहुत ही सिंपल नाम है ना, पढ़ने में इसीलिए बहुत आसानी हो रही है। तो मेलेक्स्टिग्मा, अपोलोचिलस बलोची और गैम्बूसिया, तो आपको जो भी नाम सिंपल लगे, मुझे गैम्बूसिया
और मेलेस्टिग्मा सिंपल नाम लगते हैं। तो इन्हीं दो नामों को आप याद रख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी फिशेज हैं जो मॉस्क्यूटोज मतलब कि मच्छर की जो लार्वा होते हैं उनको खाने में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ खा के क्या हेल्प करती हैं, यही हेल्प करती हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो बहुत सारे मानव हैं हमारे जैसे आपके जैसे, उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। तो इनका काम क्या है, जो भी लार्वा होता है उसको गटक जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके की फिशेस का भी एक्वा कल्चर फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, माफ कीजिएगा, इस तरीके की फिशेस का कल्चर फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। बार बार कल्चर एक्वा कल्चर ये सब करते करते गलती हो जाती है, हम भी छोटा सा जीव है, माफ कर दीजिएगा। तो हम यहीं पे फ्रेश वाटर को ख़त्म करते हैं, और भी कई तरीके की फिशेज हैं लेकिन इतना पर्याप्त है, क्वांटिटी बहुत है, लिखेंगे अच्छी हो जाएगी। सेकंड है आपका ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, यानी कि खारे पानी की जो मछलियाँ होती हैं उसमें जिस तरीके की मछलियों का एक्वाकल्चर किया जाता है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा इस तरीके की वाटर में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो 5 to 30% होती है। ब्रैकिस वाटर एरियाज आर रिच इन ऑक्सीजन एंड प्लैंकटन। प्लैंकटन पता नहीं क्या है, ये एक तरीके का फूड है जो मछली बहुत पसंद करती हैं। हमने सीआईडी में पहली बार जाना था, सीआईडी में सार्क वाला केस था, सीआईडी के दया भैया आए थे और कहें कि ये प्लैंकटन इस जगह पर कौन लेके आया है, ये सार्क का खाना है, सार्क ऐसे नहीं आई है, इस प्लैंकटन की वजह से सार्क यहाँ आई और आदमी को प्लैंकटन समझ के खा गई। तो इसी वजह से हमको प्लैंकटन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तो जो ये खारे पानी वाले वाटर होते हैं वो ऑक्सीजन और प्लैंकटन से भरे हुए होते हैं, भरपूर होते हैं। ब्रैकिस वाटर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज मिल्क फिश, लेट्स कैल्किफर, मुंगिल, पॉन्स, आपका मसल्स हो गया, ये सब जो ETC लगा लीजिए, इन सब को डिफरेंट तरीकों से कल्चर ब्रैकिस वाटर के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते कौन कौन से अलग अलग वेज हैं, ना वहाँ पर लिखा था ना अलग अलग तरीकों से कल्चर किया जाता है, तो वो अलग अलग तरीके कौन कौन से है, तो आपका टिंडल पॉन्ड्स हो गया, केजेस हो गया, रोप की फार्मिंग हो गई। देखिए क्या है कि जो बांस होता है उस बांस का यूज करके ये लोग पिंजरा बना लेते हैं। पिंजरा कैसे बनाएंगे आपको पता ही है, गाड़ गाड़ के वहाँ पे ऐसे गोलाई में घेर के, चाहे चौकोर में घेर के, जो भी जैसा उनका मन करता हो उस तरीके से पिंजरा बना के उसी में वो कल्चर करते हैं इन सब फिशेज का। और जो रस्सी वाला पार्ट है वो रस्सी से जो आपकी सीप होती है, ओस्टर होता है, उसकी फार्मिंग, उसका कल्चर उस तरीके से घेर कर किया जाता है। यही छोटी सी बात आपके ब्रैकिस वाटर एक्वा कल्चर में लिखी गई है, कोई खास बात है नहीं, सब आपके हिंदी और इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, आपको दिख भी रहा है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं वरना आज भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थर्ड है आपका मैरी कल्चर, जो कि बहुत अच्छा कल्चर है, ध्यान से सुनिएगा कान लगा के। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल एंड ओपन सी एरियाज विच ऑफर्स वाइड स्कोप फॉर कल्चर ऑपरेशंस ऑफ फिन फिशेस एंड सेल फिशेस। ठीक है, ऐसे धीरे पढ़ने से क्या होता है, धीरे पढ़ने से यही होता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, अगर आपको भी मेरे जैसी कुछ प्रॉब्लम हो कुछ समझने में तो आप एक बार उसे मन से और स्लो पढ़ के चेक करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं इसके कहने की मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि जो भारत का तट है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो काफ़ी बड़े हैं और खुले एरियाज़ भी हैं, जो फिन फिश और सेलफिश जैसी फिशेस के कल्चर के लिए बहुत बड़ी स्पेस प्रोवाइड कराता है कि आइए मछलियों आप हमारे यहाँ रहिए, एक बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड कराता है जो भारत की तटीय कोस्टल एरियाज हैं, ओपन सी एरियाज हैं वो। आगे सुनिए, जो पॉन्स होते हैं, जो लॉबस्टर होते हैं, इस तरीके की फिशेस के लिए फ्लोटिंग केज का यूज किया जाता है। फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई जो केज, मतलब क्या कह सकते हैं, सलाखें, तैरती हुई जेल का प्रयोग किया जाता है। तो वो ऐसा होता है कि फ्लोटिंग करते रहते हैं उन केजेस में, उन केजेस को क्या कहते होंगे यार, हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा, तो उन केजेस में उनको इस तरीके की मछलियों को, पॉन्स हो गया, लॉबस्टर हो गया, इन तरीके की मछलियों को
तैरती हुई केजेस में पाले जाते हैं, कल्चर किए जाते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको फिगर के माध्यम से दिखा सकूँ आप, ताकि आसानी से समझ पाएँ। आगे देखिए, जो आपके मसल्स होते हैं, विशेष रूप से जो पर्ल्स ओस्टर होते हैं, पर्ल्स ओस्टर मतलब समझ रहे ना, मोती सीप, वही तो। इन तरीके की स्पीसीज़ की जो फार्मिंग होती है वो रस्सी बांध के, पोल के माध्यम से, पोल के या लॉन्ग लॉन्ग मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें बना के, इन तरीकों का यूज करके उसका फार्मिंग किया जाता है या उसका कल्चर किया जाता है। और जो आपके सीवीड्स होते हैं, सीवीड्स याद है ना, अरे वही जो एक्वेटिक प्लांट में था, अरे एक्वेटिक प्लांट, एक्वाकल्चर में नहीं पढ़ा था हमने, ऐसे कैसे भूल जाते हैं, हमको पढ़े हैं क्या, भूला मत करिए, याद रखिए। तो जो सीवीड्स होते हैं वो जाल के माध्यम से, जाले के माध्यम से बहुत बड़ी एरिया में उसका भी कल्चर किया जाता है, नेट्स और वेबिंग्स के माध्यम से बहुत बड़ी एरिया में सीवीड्स जैसी स्पीसीज़ का कल्चर किया जाता है। किस काम में यूज आता है, कॉस्मेटिक बनाने में यूज आता है, बात समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब सबसे लास्ट बचा है भैया आपका वही मेटाहेलाइन, बात आप भी समझ रहे होंगे। मेटाहेलाइन में जो नमक की कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की मात्रा है, पता है कितनी होती है, 36-40% होती है, यानी कि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि इस वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इस तरीके की इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाना और इतनी सैलिनिटी, जो भी सैलिनिटी, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सैलिनिटी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सैलिनिटी, ठीक। तो इतनी मात्रा में सैलिनिटी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ये उतना फेमस एक्वाकल्चर नहीं है। लेकिन जो बाकी हमने दो पढ़े हैं, खासकर की मैराइन एक्वाकल्चर और आपका फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ये आपका जो एक्वाकल्चर है, इतनी मात्रा में जो नमक की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ये एक्वाकल्चर उतना मायने नहीं रखता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी नया नया खून है ना, तो क्या होता है कि पढ़ते वक्त सांस तोड़ने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए लास्ट में छोड़ते छोड़ते बहुत तेज आवाज़ निकल जाती है, तो गलत ना समझिएगा ना। तो आइए अब हम देखते हैं मेटाहेलाइन, और मेटाहेलाइन कल्चर के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि इसके अंदर जो नमक की मात्रा होती है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, वो बहुत अधिक होती है, 36-40% होती है, यानी कि मात्रा उसकी काफ़ी हाई होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्ट फॉर्मेशन के ऑफ सीजन में, यानी कि जब सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, उस सीजन में फिश कल्चर के लिए, फिश उत्पादन के लिए, फिश फार्मिंग के लिए सॉल्ट पैंस का यूज किया जाता है, ठीक है। सॉल्ट पैन क्या होते हैं, अभी आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। आगे सुनिए, इन सुपर सैलाइन सॉल्ट पैन एरियाज में नमकीन झींगे की कल्चर की जाती है, नमकीन झींगे की खेती की जाती है, कितना नमकीन लग रहा है, नमकीन झींगा। ब्रिन सिम्प की कल्चर की जाती है, जो आर्टेमिया होती हैं, आर्टेमिया के जो लार्वा होते हैं, ये बहुत पुरानी स्पीसीज हैं, मिलियन ईयर अगो की स्पीसीज है, मैंने आपको फोटो के माध्यम से ऊपर दिखा दिया है। तो इनकी जो लार्वा होते हैं वो फिन फिशेस और सेल फिश के लिए प्रोटीन युक्त लाइफ फूड के रूप में काम करती हैं, बात समझ रहे हैं, जीवित खाने के तौर पर काम करती है, यानी कि आर्टेमिया के लार्वा को फिन फिशेस और ये सेलफिश बहुत ही मन पसंद भोजन है उनका, खा पी के मस्त हो जाते हैं, बात समझ गए होंगे ना। अनफेवरेबल कंडीशन में बने आर्टेमिया के जो निष्क्रिय अंडे होते हैं, खराब अंडे भी होते हैं, जिसको सिस्ट कहते हैं, वो भी अच्छी फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इनके जो खराब निष्क्रिय अंडे भी होते हैं वो भी इतने कामगार होते हैं कि उससे हम विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे, अगली वीडियो में हम इसके सैलिएंट फीचर को देखेंगे, यानी कि ये जानेंगे कि एक्वाकल्चर करने से क्या एडवांटेज प्राप्त होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे हमें लाभ प्राप्त होता है। चाहते तो हम इसी वीडियो में बता देते, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, मेरा प्रॉब्लम आप सब जान गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर हाँ एक चीज़ बता देता हूँ छोटा सा, आपने जो अभी पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए कि मेटाहेलाइन में किस तरीके की फिशेस का या कौन सी जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट है उनका प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका मैराइन वाला था उसमें कौन सा हो रहा है,
जो आपका ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर था उसमें किस तरीके का हो रहा है, तो वो आप जानते रहेंगे तो काफ़ी आपको सिंपल होगा। तो ऐसे आपको क्लियर रहेगा कि फ्रेश वाटर में इस तरीके की स्पीसीज और इस तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स का प्रोडक्शन हो रहा था। बात समझ गए होंगे आप हमारी। अगली वीडियो की टॉपिक मैंने आपको बता दी है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत पसंद आए तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी अब हम चलते हैं, अभी हमने सोना है, सो के बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने देखने हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना है। तो टाटा बाय बाय।